जंक्शन पे है और आप सभी के बीच में जो पब्लिक है उनसे बताएंगे कि क्या मनीष कश्यप तमिलनाडु जेल में है, बिहार में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। वो मनीष कश्यप जो गरीबों के लिए आवाज़ उठाता था, मजदूरों के लिए आवाज़ उठाता, सड़क टूटा होता था तो बनवा देता था और साथ ही साथ जो पुल टूटने वाला था उसका भविष्यवाणी भी कर देता था। लेकिन आज वो मनीष कश्यप तमिलनाडु के जेल में है और उसको बिहार लाने की जो तारीख है वो तारीख पे तारीख होता जा रहा है। लेकिन उनको चाहने वाली पब्लिक जो है आज हमारे साथ जुटी हुई है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या मनीष कश्यप को बिहार लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। क्या लगता है, मनीष कश्यप को बिहार आना चाहिए? हाँ, जरूर आना चाहिए। मनीष कश्यप बिहार के भविष्य थे, आना चाहिए कि नहीं? मनीष कश्यप को आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं मनीष कश्यप? मनीष कश्यप को आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए कि नहीं भैया? जरूर आना चाहिए। आना चाहिए, आना चाहिए। और मनीष कश्यप को एकदम जरूर मनीष कश्यप को आना चाहिए, आना चाहिए ना। आखिर में पब्लिक जानती है, पब्लिक मानती है कि मनीष कश्यप को बिहार आना चाहिए। मनीष कश्यप को बिहार आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं मनीष कश्यप को? नहीं आना चाहिए, बहुत सच्चाई दिखाते हैं इसलिए नहीं आना चाहिए। क्यों, तो सच्चाई दिखाना क्या गलत बात है? नेता के नजर में ये गुनाह है जी। इसलिए बिहार में उनको नहीं आना चाहिए। मनीष कश्यप को बिहार नहीं आना चाहिए? नहीं। अगर मनीष कश्यप बिहार में नहीं आएगा तो फिर न्याय की बात कैसे होगी? न्याय क्या न्याय हो रहा है यहाँ, कुछ न्याय तो नहीं हो रहा है उनके लिए। क्या हो रहा है फिर? कुछ नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है, न्याय क्या हो रहा है जी? तो क्या पब्लिक आम जनता सिर्फ अन्याय सहती जाएगी? आज आप भी सच्चाई दिखाइएगा, आप भी उसी उनके पीछे ही चले जाइएगा जी। जी, तो क्या न्याय की बात बंद कर दिया जाए? हाँ, बंद, इंसाफ की बात बंद कर दिया जाए जी। अपने लिए जी लीजिए, वही अच्छा है जी। जैसे जी रहे हैं वैसे जी लीजिए, वही अच्छा है। गरीब को दिखाने का प्रयास मत कीजिए कि ये गरीबी में जी रहा है, वो अमीरी में जी रहा है जी। ठीक है, फिर बदलाव कैसे होगा समाज में? क्या बदलाव हो रहा है यहाँ? क्या बदलाव हो रहा है? क्या बदलाव हो रहा है? क्या हो रहा है बदलाव? क्या हो, क्या रहा है? जो बदलाव नहीं हो रहा, यही तो बदलाव हो रहा है कि जो सच्चाई दिखा रहा है वो सलाखों के पीछे चला जा रहा है, जो उसका चमचागिरी कर रहा है वो बहुत ऊपर चला जा रहा है जी। ये क्या बदलाव है? तो फिर कैसे देश कैसे चलेगा, बिहार कैसे चलेगा? ये जबरदस्ती से नहीं चलेगा भाई, जबरदस्ती से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तब समझ रहे हैं कि ये भाई कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को नहीं चलना चाहिए जी। पीछे जाने वाला है, और पीछे जाने वाला है, इस तरीके से करेगा तो और पीछे जाने वाला है। लेकिन बिहार आगे नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। आखिर में क्यों? इस तरीके से नहीं जाएगा। किस तरीके से जाएगा, बता के जाएगा? जब तक ईमानदारी की राह पे नहीं जाएगा तब तक नहीं जाएगा। चाचा जी, मनीष कश्यप को बिहार लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? लाना चाहिए। आखिर में तारीख पे तारीख जब न्यायालय कह रही है बिहार सरकार को भी, बेतिया कोर्ट, कि हमें तमिलनाडु से जो मनीष कश्यप यहाँ फिजिकली चाहिए, तो तारीख पर तारीख क्यों हो रही है सर? अब तो सरकार ना जाने की तारीख पर तारीख क्यों दे रही है? न्यायालय की बात हो रही है, इसमें सरकार तो है तो न्यायालय ही माने, संविधान की अवहेलना क्यों हो रही है फिर? तो अवहेलना, अब तो हम थोड़ी जानते हैं कि अवहेलना क्या हो रही है। मनीष कश्यप को आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? वो तो माने वो सच्चाई की राह दिखाते हैं जी, तो सच्चाई को जो राह दिखाते हैं उसको लाना चाहिए ना जी। तो सच्चाई की राह पर जो चलते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, तो उसको जरूर लाना चाहिए जी। तो फिर जब सच्चाई दिखाते हैं, हर चीज अच्छा करते हैं, तो उनको जेल में क्यों बंद किया गया? आप ये कुल तो हम नहीं जानते कि जेल में बंद कर, ये कुल तो हम नहीं जानते कि जेल में क्यों क्यों उनको जेल में डाला गया। सच्चाई के लिए लड़ता है उसका आवाज दबा दिया जाता है जी। हाँ, और जो सच्चाई के लिए नहीं लड़ता है वो तो इसी तरह घूमता रहता है, ऐसे घूमता रहता है। अब आप समझ सकते हैं, जो सच्चाई के लिए बात करते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है, और जो सच्चाई की बात नहीं करता वो आजाद घूम रहा है।